अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों एक बहुत ही प्यारी वीडियो जो कि जनरल नॉलेज के लिहाज से भी है और एक मोटिवेशनल भी है। आप इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा दोस्तों। स्टोरी जो है उसका मॉरल, उसका नेम क्या है, वो है रुपयों का अक्स। दोस्तों एक बहुत ही गरीब, इंतहा का गरीब शख्स, उसको ख्वाब आता है कि उसी ने, किसी दोस्त ने 1000 रुपए कर्ज लिया हुआ है। वो शख्स बहुत ही गरीब और बहुत ही सादा और बहुत ही मुखलस ईमानदार शख्स है, और जब उसको उठा तो वही ख्वाब उसके दिमाग में आ गया। तो दोस्तों वो उसी ख्वाब को लेकर बड़ा परेशान था। उसने अपने ख्वाब की तामीर दोस्तों के सामने की, दोस्तों को सुनाता रहा अपने ख्वाब की तामीर। कुछ वक्त गुजरा के जिससे उसने ख्वाब में कर्ज लिया था उसी दोस्त को इसी बात का इल्म हो गया। वो दोस्त बहुत ही मकार और झूठा पर्सन था। उसी ने ड्रामा रचाने के लिए उसने कहा कि मैं क्यों ना इससे 1000 रुपए उठो लूं। उसने क्या किया, उसने उस शख्स के पास गया जिसे ख्वाब आया था और उसने उसको कहा कि आपने मेरा 1000 रुपए कर्ज लिया हुआ है, मुझसे 1000 रुपए लिया हुआ है और जल्दी से वो मुझको वापस कर दो। जब उसने बात सुनी तो वो बड़ा मुस्कराया, उसने समझा कि वो मेरा दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है, जबकि वो मजाक नहीं कर रहा था। जैसे जैसे बात बढ़ती गई तो तू की मैं शुरू हो गई, वो आपस में तकरार करने लग पड़े। तो उस दोस्त ने कहा कि मैं ये मामला अदालत में ले जाऊंगा। वो इस मामले को अदालत में ले गया तो काजी ने दोनों को बुला लिया। तो काजी ने दोनों को बुलाया और दोनों के बयान सुने, और वो दूसरा दोस्त जिसने इसको ख्वाब आया था, उसका जो दोस्त था जिसने उसको कर्ज दिया हुआ था झूठा कर्ज ख्वाब के अंदर, उसने कहा कि आप, मैं अपने गवाह भी पेश करता हूँ कि ये लोगों के सामने इसने खुद इकरार किया है कि मैंने ही लोगों से 1000 रुपए कर्ज लिया हुआ है, जबकि काजी किसी फैसले पर ना पहुंच सका। उसने कहा कि मैं ये मामला इसको बड़े बादशाह, उस वक्त के बादशाह बादशाह अकबर थे, उसके पास इस मामले को ले गए। बादशाह ने बातें सुनी और फैसला सुनने उसने कहा कि उसने इस काम माजरे को एक शख्स बेबल के जिम्मे लगा दिया कि आप इस मामले को क्लियर करो। बेबल नामी शख्स ने क्या किया, दोनों के फैसले सुने और अपने महाफसों से कहा आईना लेकर आओ। उसके महाफस आईना लेकर आए, उसने आईने को रख दिया और कुछ पैसे लिए। उस पैसे को, उन रुपयों को, नोटों को उसने शीशे के सामने रखा और रुपयों का अक्स शीशे में नजर आना शुरू हो गया। तो उसने उसको कहा, जिसने कर्ज झूठा कर्ज दिया हुआ था, उसने उससे कहा कि क्या तुम ये जो आपको अक्स नजर आ रहा है आईने में देख सकते हो, तुम इन पैसों को ले सकते हो तुम? तो उस दोस्त ने, उस शख्स ने कहा कि बेबल क्या तुम उससे मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा कि जिस तरह तुमने इसको, जिस तरह आप आईने में देख रुपयों को नहीं ले सकते, नहीं देख सकते हकीकत में, तो इसी तरह ही जो आपने ख्वाब को देखा हुआ है, जो उसे ख्वाब आया हुआ है, ना तो आपने उसको 1000 रुपए दिए हैं और ना उसने आपके 1000 रुपए कर्ज देने हैं। उसने जब ये बात सुनी तो उस आईने वाली, तो वो बंदा बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और उसने अपने जुर्म का, अपने जुर्म को कबूल कर लिया।